किसी को आपने शिद्दत से चाहा, है ना, आपने पूरे दिल से, दीवानगी से, पागलपन से उसको चाहा और फिर वो आपको नहीं मिला, जैसे शाहजहां के साथ हुआ था। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि जब ऐसा कुछ होता है हमारे साथ में तो उस टाइम पे क्या होता है, अंदर एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत कुछ होता है, तो एक एनर्जी होती है और एनर्जी कभी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है। एनर्जी इन इटसेल्फ इज नाइदर कंस्ट्रक्टिव नॉर डिस्ट्रक्टिव। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, डिपेंड करता है हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो अब अगर उस टाइम पे इस एनर्जी को हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करें, ब्रेकअप मतलब क्या, दिल टूटना मतलब क्या, एक क्राइसिस सिचुएशन, बहुत बड़ी, और जितनी बड़ी क्राइसिस उतनी बड़ी एनर्जी। जैसे अगर डिस्कवरी नेट जो ये देखते हो आप लोग, तो उसमें कभी नोट किया है कि जैसे कहीं आप देख रहे हो पोलर बेयर है, उसका कोई बच्चा है, राइट, तो जब तक वो आराम से बैठे हैं तो बैठे हैं, लेकिन जैसे ही उसका बच्चा खतरे में होता है तो क्या होता है उसकी माँ की हालत। जैसे सामने से चार भेड़िए आ रहे हैं, वो चारों को डिफीट करने लायक हालत में होती है उस टाइम पे, अकेली। वैसे देखो तो मजे से चल रहे बैठी है ये। तो दो अलग अलग एनर्जीज है, अगर हम लाइफ को समझें दो तरीके से हमको एनर्जी मिलती है। एक मिलती है पैशन से, ये कुछ करना है करना है करना है करना है, वो एनर्जी बड़ी है, नो डाउट, बट उससे भी बड़ी एनर्जी, क्योंकि वो तो सबके अंदर है ही, कोई ना कोई डिजायर्स तो हमारे सबके अंदर है ही ना, लेकिन उसके बाद भी सवाल आता है कि मेरे माइंड में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, ये आ जाता है। क्या कोई ऐसी भी एनर्जी है जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जो वन पॉइंटेड है, क्योंकि हम किसी चीज को चाहते हैं तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो लिमिट में रिलीज होती है, वो थोड़ी रिलैक्स्ड एनर्जी होती है। जैसे इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ लव तो एनर्जी वहां पर भी होती है, बट बड़ी रिलैक्स्ड एनर्जी होती है। एक माँ बच्चे को कभी साथ में बैठे हुए देखो, वो प्यार की एनर्जी है, वहां पर क्या है, एक ठंडक है, एक रिलैक्सेशन है, एक दूसरे को हग किया हुआ आराम से बैठे हुए हैं, मतलब एक पैसिव एनर्जी है। इन लव देयर इज पैसिव एनर्जी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ लव, अगर प्यार एक्चुअल में गहरा है तो ऊपर ऊपर का आया है तो बात अलग है, बट इफ यू इंटेंसली, अब मुझे नहीं पता आप में से कितने हैं जिन्होंने किसी इंसान को या किसी भी काम से बहुत ज्यादा डीपली प्यार किया है, किया होगा तो वो मेरी बातों से कनेक्ट कर जाएंगे, किया ही नहीं होगा तो थ्योरेटिकली ये सब क्या है, ठीक है उनको नहीं समझ आने वाली, बट इंटेंसली इफ यू आर डीपली इन लव विद अ पर्सन, तो उस टाइम पे जो अंदर से एनर्जी होती है वहां पर कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, बस बैठे रहो उसकी आंखों में आंखें डाल करके और देखते रहो। अच्छा नहीं है ना, वो जो आया इस दुनिया में उसने प्यार नहीं किया, तो कुछ किया ही नहीं, क्या किया, रोबोट की तरह आए और चले गए, अरे तुमने किया क्या। मैं कहता हूँ प्यार करो तो पूरी तरह से करो, और अलग हो जाओ तो पूरी तरह से हो जाओ, बीच में मत अटको जाकर। दोनों ही तरफ एनर्जी है, अलग अलग तरह की एनर्जी है, प्यार में अलग तरह की एनर्जी है, और जब प्यार की वजह से दिल टूटता है उसमें एक अलग एनर्जी है, वहां से एक अलग डायमेंशन ओपन होता है, यहां से एक अलग आपका डायमेंशन ओपन होता है। जब हम डीपली किसी के साथ में प्यार में होते हैं और उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, दैट इज लव। हाँ, उसका हाथ पकड़ रहे हो इसलिए कि हाथ पकड़ के कुछ और चाहते हो तो वो एक अलग गेम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, हाँ समझ गए, तो हाँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर डीपली इन लव विद समथिंग और विद समवन और अ सिचुएशन, उस मोमेंट में एक डीप अबाइडिंग पीस होती है, साइलेंस होता है, एक ठहराव होता है उस मोमेंट में, और कुछ नहीं होता है वहां पर, ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है, आप भी नहीं होते हो, वो भी नहीं होता है, सिर्फ प्यार होता है, सब कुछ जुड़ा पड़ा होता है। ये आप तब मेरी इस बात की डेप्थ को समझ सकते हो जब आपने कभी ठहरे हो, कभी मतलब कभी लाइफ में ठहरे हो, फड़फड़ाए रहे हो तो नहीं समझ आएंगे, भागे जा रहे हो, उसको देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वहां कोई इमेजिनेशंस नहीं होती है, कोई थॉट्स नहीं होते हैं, अंदर कुछ आप बोल नहीं रहे होते, नहीं तो अंदर बोल रहे होते, अच्छा यहां से ना वहां जाएंगे, ये करेंगे, फटी करेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना 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 ठहराव है। वहां पर क्या होता है, आप पूरी तरह से जुड़े हुए होते हो इस पूरी क्रिएशन के साथ, आप जुड़ एक से रहे हो, आपको लग रहा है, लेकिन आप एक से नहीं जुड़ रहे हो, आप सबसे जुड़ रहे हो, इसको प्यार बोलते हैं। जब आप खुद के बारे में ही सोचते रहते हो तब आप दुखी होते हो, सोचते रहो खुद के बारे में, दुखी हो जाओगे,
दुखी होने का सबसे आसान रास्ता आप लोगों को बताता हूँ। ये सब सीक्रेट्स हैं ये अंदर की दुनिया के, ये पता नहीं है दुनिया को, क्योंकि अपने आप को बैठ के कभी ऑब्जर्व नहीं करते हैं, सिर्फ बाहर भागते रहते हैं चीजों के पीछे। दुखी होने का सबसे सिंपल तरीका बताऊं, अपने बारे में सोचना शुरू कर दो, मैं ये, मैं वो, मैं गारंटेड दुखी हो गए। सोचना मतलब उलझ जाना, बिना सोचे सिर्फ देखना, होना, सुनना, फील करना, टच करना, मतलब अपने आप को खो देना। कि अगर किसी की आंखों में देख रहे हो तो एक है देख करके कुछ सोच रहे हो, एक है सिर्फ देख रहे हो, दोनों में कुछ फर्क है। When you are in a deep state of love, so there is no need to act there. एक दूसरी स्टेट होती है जहां पर आपका दिल टूट जाता है, वहां पर आप रिलैक्स नहीं हो सकते, वहां पर कुछ जुड़ा पड़ा नहीं है, एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो गई है। जब भी मैं बोलता हूं कि हमारे अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, तो इसका मतलब आई एम 100% श्योर बहुत सारे लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। देखो, जो आप कह रहे हो, अगर मैं आप ही के पॉइंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, आप किसी के साथ में आपकी मान लो मैरिज हो गई और वो बंदा है, आपको सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो घर में बैठ करके आपके सामने सिगरेट पीता रहता है और आपके मुंह पे धुआं छोड़ता है, तो क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि वो ऐसा ना करे या नहीं होनी चाहिए? तो एक्सपेक्टेशंस होना बुरा नहीं है, बट एक्सपेक्टेशंस हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक में फर्क समझ आ गया है हमको? अनरियलिस्टिक मीन्स कि आप सिगरेट पीना ही छोड़ दो, दैट इज अनरियलिस्टिक, क्योंकि एक बंदा 20 साल से सुट्टेबाज बना है, वो 20 मिनट में नहीं छोड़ सकता है, तो दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बट ये एक्सपेक्ट करना कि भाई तू घर में मत पी, एटलीस्ट मेरे साथ में मत पी, पीना है तो वहां जाकर, या अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों के सामने मत पी। अपनी लाइफ तो आप खराब कर रहे हो, ठीक है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट बच्चों की लाइफ एटलीस्ट खराब मत करो, दैट इज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फिर भी सामने वाला बंदा नहीं मानता तो, और अलग होना पड़ता, छोड़ दो, दैट इज पार्ट ऑफ लव। जैसे ही कुछ भी गलत हो, यू नीड टू टेक अ स्टैंड, दैट टेकिंग ऑफ अ स्टैंड और फाइटिंग फॉर वॉट इज राइट इज पार्ट ऑफ लव, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम लव। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी वेरी क्लियर कि ये प्यार कैसे होता है, क्या ये हमको क्लियर है, क्या ये पता है? हम कभी कहते हैं कि प्यार हमको चीजों से हो जाता है, तो चीजों से प्यार कैसे हो सकता है? क्या वो चीज हमसे प्यार करती है? आप कहते हो मुझे इस चीज से प्यार है, तो इस चीज को आपसे प्यार नहीं, आप खुद ही तो क्रिएट कर रहे हो ना अपने माइंड में, तो अब आप क्या क्रिएट करोगे, अब आप कैसा लव क्रिएट करोगे? लव हमेशा वन साइडेड ही होता है, इसको अच्छे से समझ लेना, टू साइडेड लव की इल्यूजन से बाहर आ जाओ, क्योंकि टू साइडेड लव की इस इल्यूजन की वजह से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपके दिमाग में पता नहीं क्या भर दिया गया है मूवीज से, यहां से वहां से, कि टू साइडेड लव नाम की कोई चीज होती है, कुछ नहीं होती, इट इज ऑलवेज वन साइडेड, और वो वन साइडेड आप उधर से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात भी समझ आ रही है क्या? उसकी साइड कंट्रोल कर सकते हो? खुद की साइड को हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं अगर चाहे तो? पूरा कर सकते हैं 100%, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? व्हाट मेक्स यू हैप्पी इज अ वेरी मतलब आप कह सकते हो बहुत ही एक नैरो अप्रोच है, यही तो सब कर रहे हैं, इसी वजह से तो गड़बड़ हो रही है। इट मेक्स मी हैप्पी, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। व्हाट मेक्स अदर हैप्पी, दिस विल आल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। हाउ विल यू मेक समबडी एल्स हैप्पी? उसका वन साइडेड लव है, इसको पहले अच्छे से समझ लेना जहां तक हम पहुंचे हैं। आपने दो एस्पेक्ट्स पकड़े, व्हाट मेक्स मी हैप्पी, will that lead to conflict or it will not lead to conflict? It's bound to lead to conflict. कितने conflicts होंगे यहाँ पर? Unlimited. West में यही तो हो रहा है। सामने वाले की परवाह नहीं। I'll do what makes me happy. सामने वाला गया भाड़ में। इसमें क्या होता है? हमें लगता है कि ये relation जब खराब हो रहा है, तो वो बंदा दुखी हो रहा है। दोनों दुखी हो रहे होते हैं। क्योंकि जुड़े तो हुए ही हैं। So you can't be happy by running for happiness for yourself. ये वन साइडेड लव इज बाउंड टू फेल, इट विल लीड टू एंडलेस कंफ्यूजन, बिकॉज वो बंदा भी यही कर रहा है। दैट पर्सन इज ऑल्सो डूइंग, जाने अनजाने वही कर रहा है व्हाट मेक्स हर हैप्पी, दिस पर्सन इज ऑल्सो डूइंग व्हाट मेक्स हिम हैप्पी, जो दोनों एक दूसरे से अलग है। जहां पर कुछ कॉमन होगा वहां पर तो दोनों साथ में खुश हो रहे हैं, बाकी सब जगह पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एंड इफ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ लव एज थियोरेटिकली समझा, इसको प्रैक्टिकली नहीं समझा, आप कहोगे अच्छा हमको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो वो ही करो जिसमें सामने वाले को खुशी मिलती है, तो उसको तो किसी भी चीज में खुशी मिल सकती है। टुमारो इफ यू गिव सो मच ऑफ फ्रीडम टू योर हस्बैंड, अगर इसको हम प्यार कहते हैं, तो दैट पर्सन माइट से दैट आई विल ब्रिंग अ प्रोस्टिट्यूट इन आवर होम। बैठे रहो शांति से,
फिर बैठ करके आप और दुखी होगे, आपको मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन क्यों हो रही है कि ऐसा ना करे, वो जो कर रहा है मैं उसको करने क्यों नहीं दे रही, इसका मतलब क्या मुझे उससे प्यार नहीं है, मैं इतनी बुरी हूं। बात समझ आई? ये आपको फंसाएगा नहीं फंसाएगा? आई मेक द अदर पर्सन हैप्पी एंड इफ दैट थिंग मेक्स यू अनहैप्पी देन व्हाट विल यू डू? कॉन्फ्लिक्ट, और ये तो और खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि आपकी जिंदगी झंड हो गई, क्या करोगे ऐसी जिंदगी का? What makes the other person happy? What makes your parents happy? वो कुछ और ही है। करते रहो मरते दम तक। समझ लेना इसको ध्यान से। जब हम पूरी तरफ से कहीं पर भी जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, फ्रेगमेंटेड नहीं होते हैं, तो क्या हम खुश होते हैं? नहीं होते। कहीं गए हो हॉलीडे पर, वहां पर कुछ देर के लिए बीच बीच में ऐसे मूवमेंट्स आए, आप बैठे हुए हो और आप पूरा पूरा जो भी कुछ दिखता है वहां पर, एक सी बीच है, आसमान है, बादल है, ये है वो है, हवा चल रही है, कुछ हो रहा है, वहां पर बैठे हो कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आप एक हो गए हो सबसे, तो उस मोमेंट में क्या होता है? खुशी होती है नहीं होती है? इसी को प्यार कहते हैं। सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लो। जैसे आप किसी से मिले तो उसकी आंखों में देखा आपने, दैट पर्सन जो आपको चाहता है और आप किसी को चाहते हो और उसकी आंखों में देख रहे हो, वो भी आपको देखना चाहता है, आप भी उसको देखना चाहते हो, उस पर क्या होता है? अजीब सी खुशी होती है नहीं होती है? मैं भी उसको चाहता हूं, वो भी मुझे चाहती है, क्या ये प्यार नहीं है? तो प्यार है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इस प्यार में कि वो कुछ मोमेंट्स के लिए तो मिलता है हमको, कुछ मोमेंट्स के लिए हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बाकी के सारे मोमेंट्स में क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या उस टाइम पे जब हम पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी सिचुएशन में, अपने आसपास में, सराउंडिंग्स में या कहीं पर भी, तो क्या उस वक्त अंदर किसी तरह की कोई लड़ाई चल रही होती है? थॉट्स में कोई लड़ाई होती है? कोई कंफ्यूजन होती है? कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है? अलग होना मतलब परेशान होना और जुड़ना मतलब, तो ऐसा कैसे हो कि हम इस तरीके से जुड़ जाएं? देख रहे हो कहां जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो कि अंदर, क्योंकि लव इज ऑलवेज वन साइडेड, टू साइडेड जुड़ने को जिसको आप जुड़ना कह रहे हो वो कुछ देर के लिए तो पॉसिबल है, हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है। इस साइंटिफिक इंक्वायरी को आप देख पा रहे हो? हाँ, एक साइंटिफिक इंक्वायरी चल रही है, हम कहां पहुंच गए ये समझ पा रहे हो? दुनिया में कितने लोग हैं जो यहां तक पहुंच पाए हैं? थ्योरेटिकली जो हम बुक्स पढ़ते हैं ये करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा कैसे हो कि हम अंदर से इस तरीके से जुड़े, क्योंकि हम क्लियर देख पा रहे हैं कि जो कॉमन तरीके से जब हम जुड़ते हैं तो कुछ देर के लिए टिकता है, फिर ढह जाता है, फिर आदमी तड़पने लग जाता है। फिर से किसी इंसान से आप जुड़े, वो कब जुड़ते हो? जब कुछ कॉमन हो रहा होता है। अगर कॉमन नहीं होता है तो आप तो जुड़ गए, वो नहीं जुड़ा, तो गुस्सा आता है वहां पर, मैं तो उसको प्यार कर रहा हूं, वो मुझे क्यों नहीं प्यार कर रही? जैसे हॉलीडे पे है तो दोनों ही खुश है, तो कुछ देर के लिए जुड़ गए। अगर एक का मूड ठीक नहीं है, एक का मूड अच्छा है, उस वक्त जुड़ पाते हैं क्या? नहीं जुड़ पाते, तो उस वक्त लड़ाई हो जाती है कि तुम इतना हंस क्यों रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मेरे ऑफिस में क्या हुआ? बात पकड़ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन जिस वक्त वो ऐसा कर रही है, वो जो वाइफ है वो ऐसा कर रही है कि तुम्हें पता नहीं है, उस वक्त भी ये जुड़ा पड़ा है, तब भी अलग नहीं हुआ, उसको इस पे भी प्यार आ रहा है, अब नफरत की कहां गुंजाइश है? अब दुख की कहां गुंजाइश है? और बाहर वाले दिखाने के लिए नहीं, अंदर से आ रहा है। प्रॉब्लम समझ आ रही है? कब प्यार की स्टेट अचीव होती है? जब कुछ कॉमन हुआ है ना, कुछ एक साथ में दोनों एक स्टेट में पहुंच गए, तो जुड़ गए कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए जुड़े और फिर एकदम से अलग हो गए। या अगर शुरू शुरू में जब पहला प्यार जिसको आप बोलते हो, वहां पर कुछ महीनों के लिए है ना, हाँ एकदम बड़ा अच्छा लग रहा था, दोनों ही अपना बेस्ट दिखा रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को वो दिखा रहे हैं जो सामने वाला देखना चाहता है, अपनी बुरी साइड नहीं दिखा रहे, हाँ ये बदबू नहीं दिखा रहे, सिर्फ कुछ भी दिखा रहे। ऐसे लोग क्या करते हैं जिनको किसी इंसान से प्यार नहीं मिलता है? या तो वो किसी जानवर से जुड़ते हैं, कुत्ता बिल्ली पाल लेंगे, समझ लेना, इसीलिए फॉरेन में आप देखोगे वहां पे हर घर में कुत्ता बिल्ली मिलेगा आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जुड़ने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता कि उसका वो जोन कब आएगा कि जब मैं उससे जुड़ पाऊं जाकर के, कुत्ता हमेशा जोन में रहता है। आपका मूड खराब भी है तो कुत्ते का मूड खराब नहीं होता है, आपका मूड खराब है, आपने कुत्ते को ऐसे जोर से मारा, किक मारी, मतलब लात मारी, गुस्सा आ गया आपको, गुस्से में थे, कैसे लड़के आए थे, आपने लात मारी और कुत्ता सीधा खिड़की से बाहर, तो और पार्क में से जाकर उसको उठा लाए, वो फिर आपको प्यार कर रहा है। तो ऐसा इंसान जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग जीरो है,
जिसको समझ ही नहीं है लाइफ की, प्यार की, वो कुत्ते से तो प्यार कर सकता है, इंसान से नहीं कर सकता। इंसान से सिर्फ वो आदमी प्यार कर सकता है और उस प्यार को इमॉर्टल बना सकता है, यानी कि वो ऐसा हो कि वो मिटे ही ना, जो बहुत ज्यादा समझ रखता है। तो इस इल्यूजन से पहले बाहर आ जाओ कि प्यार के लिए समझ नहीं चाहिए। प्यार के लिए इतनी समझ चाहिए जिसकी कोई हद नहीं है। ना समझी में जिसको हम प्यार बोलते हैं वो अट्रैक्शन होता है, जो कुछ दिन के लिए रहता है, उसके बाद में ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं लैला मजनू के, देखने लायक होते हैं, देखने लायक सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो रहे होते हैं। जब ब्रेकअप होता है तब क्या हो रहा होता है। तो अब क्या करो, अब प्यार की गहराई को देखो, एक्चुअल में देखो अब प्यार क्या है। हम अंदर कैसे रियलिटी को देखें और उसके बेस पर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हमारे थॉट्स हो और वो थॉट्स ऐसे हो जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जहां पर सिर्फ प्यार ही प्यार हो, जहां पर सिर्फ सब कुछ जुड़ा पड़ा हो, अलग ना हो कुछ भी। जहां पे आप सेपरेट हो जाते हो तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मैं और तू, वहीं पर तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। हम में कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो, हम में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हम मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे, अंदर तक आप हम मतलब मैं और तू नहीं है वहां, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, इंपॉसिबल। कहां नहीं हो सकता, बाहर होगा, क्योंकि बॉडी उस बॉडी से अलग है, इसका माइंड उस माइंड से अलग है। तो वहां पर तो सही गलत पे कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। वो सब हो रहा है, बाहर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बाहर जुड़ भी रहे हैं, अलग भी हो रहे हैं। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां पर अलग भी होना पड़ जाए, बाहर अगर पर्सनालिटीज मैच नहीं करेगी तो अलग भी होना पड़ सकता है ना। लेकिन अंदर से हम हैं तो हम अलग हो रहे हैं किसके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए नहीं। ये प्यार है जी। हम साथ में हैं तो हमारे लिए, हम अलग हो रहे हैं तो हमारे लिए, हम है वहां पर, अब सब कुछ इंक्लूड हो गया है वहां पर, और हम में मैं और तू दोनों आ गए हैं, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। दिस इज कंप्लीट लव, दिस इज रियल लव। मैं और तू का मतलब समझ पा रहे हो, इसकी डेप्थ देख पा रहे हो। अगर हम एक्चुअल में आप बोल पाओ तो अब ये नहीं बोलोगे कि इसने उसके साथ गलत किया। प्रॉब्लम सिर्फ तब नहीं होती है आपको जब सामने वाला आपके साथ बुरा करता है, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो। प्रॉब्लम तब भी होती है आपको जब आप किसी के साथ में कुछ गलत करते हो। क्या आप गलतियां करते हो या नहीं करते हो? आपने गलती कर दी तो सामने वाले ने तो आपको माफ कर दिया, लेकिन आप अंदर ही अंदर अपनी उस गलती को याद करके अपने ऊपर आपको गुस्सा आता है कि मेरे मां बाप ने मेरे लिए इतना किया लेकिन मैंने देखो क्या कर दिया उनके साथ में। होता है नहीं होता है? तो आप जिसको प्यार कह रहे हो उसमें आपने अपने आप को अपने मां बाप से अलग कर दिया, तो यहां पर दुखी होगे। मैं जिस प्यार की बात कर रहा हूं वहां पर क्या हुआ, चाहे मैं कुछ गलत करूं चाहे तू कुछ गलत करे, चाहे मैं कुछ सही करूं चाहे तू कुछ सही करे, क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ हम में है, और इस हम की बाउंड्री को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपकी समझ गहरी है। फिर इस हम में सिर्फ एक या दो लोग या मेरी फैमिली मेरा ये छोटी सोच नहीं हो, इस हम में सब कुछ आ जाएगा। ये हम सिर्फ इंडियन तक नहीं रहे, मैं इंडियन हूं तू पाकिस्तानी, यहीं पे तो लड़ाई झगड़े हैं, ये मैं और तू भी तो है, मैं भी इंसान हूं तू भी इंसान है, बताओ क्या है यहां पे लड़ाई झगड़ा? और इंडियन पाकिस्तानी तो माइंड में भर दिया गया है लाइनें खींच खींच करके और आपस में लड़ रहे हैं, वो हमारे अगेंस्ट है उनके अगेंस्ट है। रियलिटी क्या है कि तू भी इंसान है मैं भी इंसान हूं, एक ही प्लेनेट के ऊपर है। अगर हमको सोचना है तो पहले इस प्लेनेट के बारे में सोचना है, बाद में बाउंड्रीज के बारे में सोचना है, ये रियलिटी है। चलो सामने वाला ऐसा नहीं भी सोचता, मैं तो सोच सकता हूं, मुझे कौन रोक रहा है सोचने से? बाहर बाहर से हमको लड़ना भी पड़ रहा है एक दूसरे से अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन अंदर से हमको ये सोचने से कौन रोक रहा है कि मैं भी इंसान हूं तू भी इंसान है? इस सच को देखने से कौन रोक रहा है? यहां पर कहां लड़ाई है? मैं भी इंसान हूं तू भी इंसान हूं, हिंदू मुसलमान कहां है यहां? मैं भी इंसान हूं तू भी इंसान हूं, अच्छा बुरा कहां है यहां? मेरे में भी कुछ अच्छाई है तेरे में भी कुछ अच्छाई है, मेरे में भी कुछ बुराई है तेरे में भी कुछ बुराई है, कहां है यहां पर लड़ाई झगड़ा? कहां है कॉन्फ्लिक्ट? कहां है दुख? अब यहां पर अलग कैसे हो? अलग होना ही दुख है। इसको समझ लेना, बस मैं इसको बोल के कंक्लूड कर रहा हूं, इस सेशन को खत्म कर रहा हूं। ये बड़ी गहरी बात है अगर इसको पकड़ पाओ तो। आपको जुड़ना नहीं है इस यूनिवर्स से, दूसरे से जुड़ना नहीं है, एक्चुअल में जुड़े हुए हो। आपको पानी से जुड़ना है या जुड़े ही हुए हो? हवा से जुड़ना है, जुड़े ही हुए हो? अलग होने का कोई तरीका है क्या? अपनी ब्रेथ से अलग होकर के दिखाओ, समझ गए? तो जुड़ना नहीं है इस पूरे यूनिवर्स से। ये कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, जैसे दुनिया कहानियां सुनाती है,
रियलिटी बता रहा हूं। रियलिटी क्या है कि हम सब एक दूसरे से और इस पूरे के पूरे यूनिवर्स से जुड़े ही हुए हैं, अलग है ही नहीं। हमको लगता है कि हम एक दूसरे से अलग हैं, जैसे ये लगता है और इसके बेस पर हम अपनी एक दुनिया बनाते हैं यहां पर अंदर, तो उस दुनिया में चारों तरफ लड़ाई झगड़े होते हैं, केओस होते हैं, अंदर भी और बाहर भी। लेकिन जैसे आप इस रियलिटी को एज इट इज देख लेते हो कि रियलिटी क्या है, जुड़े पड़े हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अलग हो ही नहीं सकते। दुनिया का कोई भी रिलीजन, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी इंसान आकर के इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता कि हम सब जुड़े पड़े हैं। ये रियलिटी, और इस रियलिटी के बेस पर जो आपकी ये जो समझ है, ये पक्की हो गई, एक बार ये समझ आपकी गहरी हो गई, तो ये जो यूनिटी है, ये जो स्टेट है, दिस स्टेट ऑफ लव, दिस वननेस, दिस कांट बी टेकन अवे फ्रॉम यू।